Hi, I'm Madhulika Singh. And do you know the secret behind how I went from this to this? How? Kaise? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आज की वीडियो का टॉपिक आप में से कई सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इनिशियली जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मेरे लिए बहुत टफ था पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना। और टफ इसलिए था क्योंकि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होने से पहले मेरी जो पहले की लाइफ स्टाइल थी वो बहुत अनहेल्दी थी। मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी पिया करती थी और अचानक से मुझे 3 लीटर पानी पीना पड़ रहा था। और कभी कभी रात में मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती थी कि अरे आज मैंने 3 लीटर पानी नहीं पिया, मेरा वेट लॉस कैसे होगा। और मैं रात में इतना ज़्यादा पानी पी लिया करती थी कि मुझे रात भर वॉशरूम भागना पड़ता था, मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी। इस चक्कर में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में वाटर इनटेक को लेकर बहुत सीरियस थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं घर का डेली अच्छा खाना खा लूं, अगर मैं डेली एक्सरसाइज कर लूं, पर मैं डेली एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर तक पानी नहीं पीऊँगी तो वेट लॉस नहीं होने वाला। एंड दिस इज़ द ट्रुथ अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। मैंने 20 किलो वज़न घटाया है 3 से 4 महीने में, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हूँ कि पानी बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। तो मैंने क्या किया, अपने 24 घंटे को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया और मैंने अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। इनिशियली इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग टारगेट मैंने छोटे छोटे टारगेट बनाए, क्योंकि मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट ही किया था और अगर इनिशियली मैं अपने लिए कोई बड़ा सा टारगेट बना लेती तो मेरे लिए वो बहुत टफ हो जाता पूरा करना। और हफ्ते 10 दिन मुझे लगे और दिन के ख़त्म होते होते मैं 3 से 3.5 लीटर तक पानी पीने लग गई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे अर्ली मॉर्निंग रूटीन से। और आई विश कि वीडियो के ख़त्म होते ही आपको भी सल्यूशन मिल जाए कि कैसे वेट लॉस के लिए हम पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर तक पानी पी लें बिना खुद को ओवरडोज किए, बिकॉज रात में जब नींद ख़राब होती है ना तो बहुत गुस्सा आती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह उठने के बाद बिना ब्रश किए मैं 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये वो हैबिट्स हैं जो मैं पिछले 7-8 महीनों से फॉलो करती आ रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी दिस शुड बी द मस्ट डू हैबिट इन योर मॉर्निंग रूटीन। इसके बाद आई ब्रश माई टीथ एंड आई मेक माई डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक कुछ भी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, दालचीनी पानी हो सकता है या मेथी का पानी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है और आज मेरा क्या पीने का मन कर रहा है। बट डिटॉक्स ड्रिंक हम अपनी वाटर इनटेक में काउंट नहीं करें। डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी बॉटल को फिल करूँगी दिन में पहली बार अराउंड 10 AM। तो ये हमारे दिन का पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हमें 1 लीटर पानी पीना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए खुद पे कि कैसे पिएंगे पानी, ऐसे तो हो चुका काम, हो चुकी पढ़ाई। आराम से पानी पीजिए और अपना काम करिए। डू योर वर्क, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, डू योर वर्क, ठीक है। और अराउंड 1 बजे तक मैं 1 लीटर पानी पी चुकी रहती हूँ, यानी कि 1 बजे तक मेरा 1 लीटर वाटर इनटेक पूरा हो चुका रहता है। मैं अपना लंच 1.5 से 2 बजे के बीच में कर लेती हूँ और लंच करने के 40 to 45 मिनट्स बाद ही मैं कुछ पीती हूँ। और लंच करने के बाद मैं अक्सर एप्पल साइडर विनेगर विथ ग्रीन टी पीती हूँ। मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ, ये बहुत अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक है। एप्पल साइडर विनेगर विथ ग्रीन टी पीने के बाद मैं पानी बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, मुझे काफ़ी फुल फील होता है। और इसके 1 घंटे बाद ही मैं पानी पी पाती हूँ जब मुझे प्यास लगती है। और फिर मैं अपना काम करती हूँ, यानी कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ, पानी पीती हूँ, पानी पीती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, और ऐसे करते करते 5 बज जाता है। देन आई स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। मैं YouTube वीडियोस बनाना उस टाइम बंद कर देती हूँ और पढ़ाई भी बंद कर देती हूँ, और मैं तुरंत अपनी बॉटल लेके छत पे चली जाती हूँ। और आजकल मौसम बहुत सही है, बड़े सुंदर सुंदर बादल देखने को मिलते हैं छत पर, बाहर तो जा नहीं सकते, तो एनीवेज ये दुख भी अलग है, पता नहीं कब नसीब होगा बाहर जाना। तो छत पे मैं अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनती हूँ, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई। यू कैन ऑल्सो लिसन दोज
podcast if you are interested. And I keep drinking water slowly without giving too much pressure on myself कि मुझे पानी पीना है पानी पीना है. बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद को मत दीजिएगा, ऐसे आप पानी नहीं पी पाएंगे. आपको लगेगा कि 3.5 लीटर पानी पीना है, बाप रे इतना ज़्यादा पानी मैं कैसे पीऊँगी. तो आराम आराम से मूव करिए. और फिर उसके बाद मुझे इवनिंग में वॉक करना बहुत पसंद है. मैं डेली कम से कम 1 घंटा वॉक करती हूँ और गाने सुनती हूँ, अपनी बहन के साथ खेलती हूँ अलॉन्ग विद ब्यूटिफुल स्काई. तो 6 से 7 तक मैं इवनिंग वॉक करती हूँ और 7 बजे मैं अपनी बॉटल को तीसरी बार रीफिल करती हूँ. और 7 से 8 बजे के बीच मैं वर्कआउट करती हूँ. मेरे साथ बहुत लंबे टाइम से होता आ रहा है कि मेरा जो वर्कआउट टाइम है वो 7 से 8 बजे के बीच का है. तो 7 से 8 मैं वर्कआउट करती हूँ और उसके बाद आप खुद देखिए. अभी मैं वर्कआउट कर चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्वेटिंग हुआ है आज मुझे, क्योंकि मैंने अच्छा खासा आज कार्डियो किया है. और काफ़ी टाइम बाद मैंने 30 मिनट्स कार्डियो किया और 30 मिनट्स अपनी रेगुलर एक्सरसाइज की. मेरा जो डिनर टाइम है वो 8:30 से 9 बजे के बीच में रहता है. तो 8:30 से 9 बजे के बीच मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और डिनर करने के 40 से 45 मिनट्स बाद मैं फिर से पानी पीती हूँ. और देखा जाए तो डिनर करने के बाद जब मैं पानी पीती हूँ और पूरे दिन का कैलकुलेट किया जाए तो दिन के ख़त्म होते होते मैं 3.5 लीटर तक पानी पी चुकी रहती. तो आपने देखा कि मैंने अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. मैंने 3 बार बॉटल को फिल किया और अभी वर्कआउट करने के बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लगती है. और बहुत ज़रूरी भी है वर्कआउट करने के बाद अपने आप को, अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है. तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है. और ये बॉटल यहाँ तक भरी हुई है और अभी मैं इसे पूरा पी जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है. और इसमें मैं अपने मॉर्निंग डिटॉक्स को काउंट नहीं कर रही, ना ही एप्पल साइडर विनेगर को काउंट कर रही. मैं सिर्फ पानी को काउंट कर रही हूँ कि पूरे दिन के एंड होते होते मैंने 3 से 3.5 लीटर तक पानी पी लिया है और अभी मुझे बहुत प्यास लगी है. आई होप कि इस वीडियो से आपको सोल्यूशन मिल जाए कि कैसे पूरे दिन में 3.5 लीटर तक पानी पीना है. आई एम वेरी थर्स्टी. पानी ब्रेक ले लेकर पीना चाहिए, एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.